हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट ऑफ रियलिटी। साइबेरियन टाइगर और बंगाल टाइगर बिल्ली परिवार के सबसे बड़ी प्रजातियों में शुमार हैं। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हैं। टाइगर चाहे बंगाल का हो या साइबेरियन टाइगर हो, इन दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। जहाँ शेर झुंड में रहना पसंद करते हैं, वहाँ ये अपने इलाके में एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन है ज्यादा ताकतवर, साइबेरियन टाइगर या बंगाल टाइगर। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी रोमांचक जानकारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपको बता दें, हालांकि ये दोनों बाघों की प्रजातियां काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन संरक्षण के भारी प्रयासों के बावजूद भी बंगाल टाइगर और साइबेरियन टाइगर की संख्या तेजी से घट रही है। यह बाघ खाल के लिए शिकारियों के निशाने पर हैं। यह खाल आमतौर पर एशिया में चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। साथ ही इंसान और मानव बस्तियों के आसपास के क्षेत्रों में लोग अक्सर मनुष्यों और पशुओं पर हो रहे इनके हमले को रोकने के लिए इन बाघों को शिकार बनाते हैं और इनका शिकार करते हैं। बंगाल टाइगर और साइबेरियन टाइगर है तो दोनों ही बाघ की प्रजाति, बावजूद इसके इनमें काफी विशेषताएं अलग है, जिसके कारण इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। साइबेरियन टाइगर के पास एक मोटी पीला सुनहरा रंग का कोट वाली खाल होती है, जो काली धारियों से ढकी होती है और पेट सफेद रंग का होता है। तो वहीं बंगाल टाइगर की खाल पतली हल्की पीली, जिसमें भूरे या काले रंग की धारियां होती है। पेट वाला हिस्सा सफेद रंग का होता है। बंगाल में कुछ बाघ तो पूरी तरह से सफेद रंग के होते हैं। बंगाल टाइगर, जिसको एशिया में लोग रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी बुलाते हैं, यह मुख्यतः भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, वियतनाम और चीन में पाया जाता है। हालांकि इसकी सबसे ज्यादा अधिक आबादी आज भी भारत में मौजूद है। बंगाल टाइगर सामान्य वातावरण, घने जंगलों और घास के खुले मैदान आदि में पाए जाते हैं, जबकि साइबेरियन टाइगर अधिक ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कोरिया, चीन और पूर्वी रशिया के उत्तरी भागों में जंगलों में पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर को लोग अमूर टाइगर के नाम से भी जानते हैं। दोनों ही टाइगर को अपने इलाके में एक दूसरे बाघ का दखल देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। साइबेरियन टाइगर 2500 से लेकर 4000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में रहते हैं और लगभग रात के दौरान भोजन के लिए यह 40 वर्ग मील तक के क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। इनके कंपेयर बंगाल टाइगर छोटे क्षेत्र में बसता है, लेकिन गर्मियों के दौरान यह 77 वर्ग मील के क्षेत्र में और सर्दियों के समय 42 वर्ग मील के क्षेत्र में भोजन के लिए भ्रमण करता है। दोनों की डाइट में काफी ज्यादा अंतर है, लेकिन यह दोनों कार्निवोरस होते हैं। अंतर इसीलिए है क्योंकि जिन जंगलों में ये दोनों रहते हैं, दोनों बाघों के इलाकों में अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। इन दोनों के अंदर बड़े शिकार को मार गिराने की क्षमता है। साइबेरियन टाइगर मुख्यतः हिरन, खरगोश और कभी कभार खाने की कमी होने पर ब्लैक और ब्राउन बियर का शिकार भी करता है। तो वहीं बंगाल टाइगर का मुख्य आहार जंगली सुअर, वाटर बेफेलो और सांबर होते हैं। वैसे तो इन दोनों का आमना सामना होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग परिवेश और वातावरण में रहते हैं। लेकिन किसी कारणवश इन दोनों का आमना सामना हो जाए तो क्या परिणाम होगा? इसके लिए सर्वप्रथम हमें इन दोनों की शारीरिक संरचनाओं को पूर्ण रूप से जानना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं इनकी लेंथ के बारे में। साइबेरियन टाइगर की लंबाई होती है 10 से 12 फीट, तो वहीं बंगाल टाइगर की लंबाई होती है 8 से 10 फीट तक। अब बात करते हैं इनके वेट के बारे में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो साइबेरियन टाइगर का मैक्सिमम वेट रिकॉर्ड है, वह है 424 किलो। लेकिन आमतौर पर मेल साइबेरियन टाइगर का वेट होता है 300 किलो से लेकर 350 केजी के बीच में। तो वहीं बंगाल टाइगर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो वेट रिकॉर्ड है, वो मैक्सिमम वेट है 389 केजी। लेकिन आमतौर पर इनका वेट होता है 280 किलो से लेकर 310 किलो तक। अब बात करते हैं इनकी हाइट के बारे में। साइबेरियन टाइगर की हाइट होती है 80 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक, तो वहीं बंगाल टाइगर की हाइट होती है 70 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक। इन दोनों बाघों की प्रजाति में फीमेल मेल से कमजोर होती है, मेल डोमिनेंट होता है। इन दोनों बाघों की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन कभी कभी छोटी दूरी में तेजी से शॉर्ट रेस में देखा गया है कि इन दोनों की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। हाँ, लेकिन बाइट फोर्स और कैनाइन टीथ में लगभग ज्यादा अंतर नहीं है।
टाइगर के कैनाइन टीथ होते हैं 78 mm लंबे और बाइट फोर्स होती है इनकी 1050 psi। यह थी इन दोनों मांसाहारी जीवों की कुछ शारीरिक संरचना और अब इसी के आधार पर हमें पता लगाना होगा कि कौन है उस श्रेणी का शिकारी, किसकी ताकत, किसकी शिकार करने की क्षमता अधिक है। तो दोस्तों यदि मुकाबला साइबेरियन टाइगर के बर्फ वाले इलाके में हुआ तो निश्चित ही साइबेरियन टाइगर विजय होगा, क्योंकि साइबेरियन टाइगर एक तो बर्फ वाले इलाके का जीव है और दूसरा बंगाल टाइगर से अधिक वजनी और मोटी खाल से भरपूर है। लेकिन यदि मुकाबला बंगाल टाइगर के इलाके में हुआ तो जहां घने जंगल हैं, तो यह मुकाबला शायद बराबर का हो सकता है, क्योंकि साइबेरियन टाइगर को ऐसे जंगलों की आदत नहीं है। इसके अलावा यदि मुकाबला खुले मैदान पर होता है तो यहाँ पर भी फायदा साइबेरियन टाइगर को ही मिलेगा, क्योंकि साइबेरियन टाइगर का अधिक वजन होना और बड़ा होना उसे जीत के लिए अग्रसर करेगा और इस तरह जीत की प्रायिकता साइबेरियन टाइगर और बंगाल टाइगर में साइबेरियन टाइगर की अधिक हो जाती है। एशिया में टाइगर को लेकर कई कहानियां दर्ज हैं जहां इन बाघों को काफी ज्यादा खतरनाक रूप से दर्शाया गया है। हालांकि बाघ को लेकर एशिया में कई देशों में लोगों की सकारात्मक विचार भी है, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक अच्छा वर्णन है इन बाघों का। इतने ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक होने के बावजूद भी दुनिया में कुछ देशों में लोगों ने इनको अपना पालतू जानवर बना रखा है। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ लोग इन्हें अपना पालतू जानवर बनाते हैं। उन देशों में सऊदी अरब का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ के अमीर लोग बाघ को अपने शौक के लिए अपने साथ रखते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि बाघ दिखने में काफी ज्यादा आकर्षक और सुंदर होता है, लेकिन यह पालतू बनाने योग्य नहीं है। सऊदी अरब के लोगों को लगता है कि बाघ को अपने साथ रखकर उनका रुतबा समाज में और ऊपर होता है। हालांकि ऐसा करके वो अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते हैं, क्योंकि बाघ अपनी इच्छा का मालिक होता है और यह जंगल के परिवेश और वातावरण में रहने योग्य है। जब तक यह छोटे हैं तब तक तो इंसान को इनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब यह अडल्ट हो जाते हैं तो काफी ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं। लेकिन आज हम जब इन दो टाइगर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या पता भविष्य में यह भी डायनासोरस की तरह विलुप्त हो जाएं? क्या पता यह भविष्य में एक काल्पनिक जीव बनकर ही रह जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसे बोलने का मेरा मुख्य कारण यह है कि इनकी घटती हुई आबादी, यह भले ही ताकतवर और शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन आज भी जंगलों में भारी संरक्षण के बावजूद भी इन जीवों की संख्या में बहुत तेजी से कमी आ रही है। आज जंगलों में बंगाल टाइगर की संख्या मात्र कुछ हजारों में ही बची है, तो वहीं साइबेरियन टाइगर तो बंगाल टाइगर की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम है। यह थे साइबेरियन टाइगर और बंगाल टाइगर के बारे में कुछ मोस्ट अमेजिंग फैक्ट। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।